نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافئا ورزقا طيبا وأملا متقبلا वरि वो मौजूँ हमने क्या देखा था हताकारी का पैकर गाय का वाक्य और बन सराइल की खिला सा हमने वहां पर जाना था नंबर सेवेंटी टू में क्योंकि गुनाह पर हमने बात की थी कि कुछ गुनाह जितने भी छुपा कर करें इनकी सज़ा दुनिया में जाहिर हो जाती है आयत नंबर सेवेंटी फ़ोर में जाना था कि दिलों का जायज़ा लिया था हमने कि अल्लाह ताला हमें खैर की नहरें बनाना चाहते हैं आयत नंबर सेवेंटी फ़ाइव में जाना था आयत तदब्बर थी हमारे लिए कि क्या हमें उम्मीद होती है कि ख़ैर ख्वाही की भलाई की दूसरे मुसलमानों के दीन को समझने की फिर आयत नंबर सेवनटी सिक्स में कि कहीं हम भी तो यहूद के लमा की तरह दीन को अपनी मर्ज़ी से रद्द बदल तो नहीं कर देते और फिर इन पे फतवे तो नहीं देने लग जाते आयत नंबर सेवेंटी सेवन में जाना था कि हम कुछ भी कर लें हम सब अल्लाह की नज़र में हैं आयत नंबर एटी में जाना था झूठी उम्मीदों की नफी कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्न जहन्नुम में जाएगा ये अल्लाह ताला जानता है ईमान वाले ही फलाह पाते हैं जिंदगी के बाद मौत यानी कि हयात बाद के सबूत के लिए मकतूल को जिंदा करके निशानी इस रकू में हमने देखी थी फिर पत्थर की मिसालें देखी थी जिससे चश्मे फूट निकलते हैं खौफे खुदा से ये गिर जाते हैं इनसे पानी निकल आता है फिर यहूदी करदार का हमने तजिया भी किया था फिर उसके बाद हमने अमल की बात क्या ली थी इसमें कि दिल को दिल के जंग को दूर करने के लिए नबी सल्लल्लाहु सल्हु वसल्लम की वसीयत पर अमल करने की कोशिश करनी है तलावत कुरान पाक के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है टाइम लगाना है वक्त लगाना है और आखरत को याद रखना है फिर रकू नंबर दस आयत नंबर एटी टू एटी इसमें हमने तोरात अंजील के देखे थे कुरान की रोशनी में कि दूसरों को नसीहत और इंसान का खुद का अमल तोरात के अहकाम में में से बुनियादी चीज कुछ नहीं बदली इस आयत को हमने गौरव फिक्र के साथ आयत नंबर एटी थ्री को हमने जाना था कि हम इस आयत की रोशनी में कैसे हैं इबादत माँ बाप के एहसान के का क्या हुक्म था इसमें इसमें हक या बराबरी की नहीं एहसान की बात थी रिश्तेदारों यतीमों मसाकीन लोगों से अच्छी बात नमाज ज़क़़्त पर हमने जाना था कि ये तमाम तरह क्या हैं फ़ित नंबर एटी फोर टू एटी सिक्स में हमने यहूद के फिर से अहद चिखनी की बात की थी और साथ मुराद मुसलमान भी थे कि आपस में ना लड़ो हम मजहब लोगों को कत्ल ना करो आखरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी मतहरी दो मैं साके बनी इसराइल पे बात हुई थी कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करना वालदान के साथ हुसन सलूक करना रिश्तेदारों के साथ हुसने सलूक करना यतीमों के साथ हुसने सलूक करना मस्किनों के साथ लोगों से भली बात कहना नमाज़ क़ायम करना ज़कात अदा करना आपस में एक दूसरे का होन न बहाना और कैदियों को फिदिया लेकर छुड़ाना फिर ताल्लुक़ बिल्ला को हमने देखा था कि अल्लाह ताला इन सब हराकत से बेहबर नहीं है जो भी मैं और आप करते हैं और इसमें हमारे लिए अमल की बात हमने क्या ली थी कि वालेन की हिदमत करनी है इन्हें कोई दुख नहीं देना कोशिश करनी है इनके साथ नरमी रखने की इनके हहसानात का ख्याल रखना है और इनकी इज्जत करनी है इंसानों से उसने सलूक करना है इन शिर आगे रकू नंबर ग्यारह उसका मौजू हम क्या देखा था अजीब ईमान यानी कि दीन के मामले में पिक एंड चूज नहीं करना बल्कि अल्लाह ताला के हर एह काम को पूरी शरीयत से करने की कोशिश करनी है इन अल्लाह ताला के एहसान पे बात हुई थी कि उन्होंने हजरत मूसा को किताब दी पैदर दर पै रसूल भेजे हज़रत ईसा को रोशन निशानियाँ देकर भेजा फिर रसूल आने पर यहूदियों का रवैया कैसा था कि अल्लाह तला की किताबों को ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ महसूस किया उन्होंने सरकशी की रसूलों को जुटलाया और रसूलों में से कुछ को कत्ल कर डाला फिर उनके रवैये की हराबी की असल वजह क्या थी उनके नफ्स की पैरवी थी नफ्स की तसल्ली थी और सबसे बड़ी बात बड़ों का दीन नहीं छोड़ते थे वो लोग उसको फॉलो करते थे अपने अबाऊ अजदाद की रस्मों को नहीं निकालते थे अपने अंदर से फिर सच्चे हक परस्त नहीं है उस पर बात हुई थी क्यों क्योंकि उन्होंने मारजात का इनकार किया बछड़े को मबूद बनाया नबियों को कत्ल किया फिर दुनिया की मोहब्बत में डूबे रहे फिर हमने तालुक बिल्ला को देखा था और उसके बाद हमने अपने अमल की बात ली थी कि हमने आज ये डिस्कस करना है कि कुरान पर ईमान रखने के बावजूद मुसलमानों के लिए हक की नसीहत नाकबले बर्दाश्त क्यों हो गई है सच्चा हक परस्त बनना है और अपनी सारी तवज्जो मौत के बाद आने वाली जिंदगी की तरफ लगानी है इन ताला फिर आगे हमने देखा था रकू नंबर बारह आयत नंबर नाइनटी सेवन टू वन और थ्री मौजू क्या था जादू और ईमान यानी जादू और जादू तक पहुंचाने वाले ख्याल एक बात याद रखें जब दिलों से किताब निकलती है तो इसकी जगह खुराफात ले लेते हैं शैतानी कामों में पड़ जाते हैं इंसान शैतानी कामों में लग जाते हैं इंसान हमने वहां पर देखा था कि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल पर नाजिल किया गया पहले किताबों की तस्दीक करता है साफ साफ हक का इजहार करने वाला है ईमान वालों के लिए हदायत है इसमें कामयाबी है बशारत है पैरवी से इनकार कौन करते हैं जो फासिक हैं फिर हमने अल्लाह ताला तला केमत को पसे पुश डालने वाले देखे थे कि सच्चे दिल से वो ईमान नहीं लाते वादा तोड़ देते हैं इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं जादू सीखते हैं और जिससे शोहर और बीवी में जुदाई डिलवाने की कोशिशें की जाती हैं वो काम करते हैं फिर हमने देखा था कि ताल्लुक बिल्ला के बारे में कि हमने अपने, अपने अल्लाह ताला के साथ इस ताल्लुक़ को कैसे मजबूत करना है और साथ में हमने जाना था कि हमारे लिए अमल की बात क्या है कि रिश्ते और ताल्लुक के बिगाड़ से खुद अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचाना है जादू का वहम हो जाए तो लोगों को इनके वहम से निकालने की कोशिश करनी है और अपना तल्लुक अल्लाह तला के करीब तक करने की कोशिश में रहना है इनशाला आगे फिर रकू नंबर तेरह नंबर तेरह में हमने जाना था आयत नंबर एक सौ चार से एक सौ तक के तोहिने रसालत करने वालों से क्या मामला करना चाहिए इल्म की महफिल के अदाब देखे थे दीन की तबलीग पर बात हुई थी कि मजलिस के अदाब क्या होते हैं गुफ्तु में जो हैं वो शक् व शुभात वाले अल्फ़ाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए इल्म की बात ग़ौर से सुननी चाहिए सवाल जवाब के बजायबरत का जहन पैदा करना चाहिए अतात वालों के लिए जन्नत है और अमल वालों के लिए भी अल्लाह सुखाना व ताल हमें अमल की भी तोीख दे फिर अमल की बात इसमें हमने क्या ली थी कि मजलस के आदाब को अपनाना है और असलाह की कोशिश करनी है इनशल्ला फिर आगे रकू नंबर चौदह आयत नंबर एक सौ तेरह से एक सौ इक्कीस तक के उसका मौजू हमने क्या देखा था मौजूद था गलत फहमियों की वजाहत दीन दारों का जो आपसी अखिलाफात हैं वो हमें मकसद दीन से हटा देते हैं जिससे उम्मत टूट फूट का शिकार हो जाती है उसमें हमने जाना था गलत फहमियों का अजाला क्या था कहतलाफ अफ़त दुनिया में हल नहीं होंगे कयामत के रोज़ फैसला होगा अल्लाह ताला मशरक को मगरिब का मालिक है इसकी इबादत हर जगह हो सकती है अल्लाह ताला की मस्जिदों से रोकने वाले जालिम लोग होते हैं सारी कायन का मालिक अल्लाह है आसमानों और ज़मीन का मौजद अल्लाह है सब इसके मतियर फरमाबरदार हैं फिर एतराजा क्या थे एतराज़ उनका पहला कि अल्लाह ताला बात क्यों नहीं करता जवाब दिया अल्लाह ताला ने कि इसका दिया हुआ इल्म हक इसका कलाम है इसको इसके साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करो फिर उसके बाद एतराज़ इन्होंने क्या किया कि अल्लाह ताला निशानी क्यों नहीं बेचता अल्लाह ताला ने फिर उसका भी जवाब दिया कि सबसे बड़ी निशानी अल्लाह का रसूल है जो बशीर और नज़ीर है फिर अल्लाह ताला ने फैसला बताया कि यहूद और ईसाई हरगिज़ तुमसे राज़ी नहीं हो सकते जब तक कि तुम इनके तरीके पर ना चलो हदायत बस वही लोग लेते हैं जो कि अल्लाह ताला के करीब होते हैं और जो अल्लाह ताला ने दे दी है अमल की बात इसमें हमने क्या देखी थी कि अल्लाह ताला के घर को आबाद करने के लिए अपने घर वालों और ताल्लुक वालों को तरगीब दिलानी है फजूल बहसों में नहीं पढ़ना और अपने ताल्लुक को अल्लाह ताला के साथ मजबूत करना है फिर आगे रकू नंबर पंद्रह मौजू क्या था बेतल्ला आलमी मरकज़ इस्लामी हज़रत इब्राहीम रोल मॉडल हैं उम्मत मुस्लिम के लिए और आजमाइश शर्त है दीन के काम के लिए कुर्बानी का जज्बा और आजमाइश में पूरा उतरने का हौसला चाहिए और फिर हमने जाना था कि एक इंसान कुंदन कैसे बनता है आहरत के बारे में गलत फ़हमियों के इज़ाले के बारे में जाना था कि इस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा ना किसी की सिफारश कबूल की जाएगी ना किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी फिर हमने देखा था कि हज़रत इब्राहीम दुनिया के अमामों पे पेशवा हैं अल्लाह ताला ने इनको आजमाया आजमाइश में ये पूरे उतरे अल्लाह ताला ने इनको रहनुमा बनाया अमामत दुनिया की रहनमाईलिमों के लिए नहीं है फिर हमने देखा था कि बैतल्ला आलमी मरकज़ इस्लामी है आलमी मरकज को अमन की जगह बना दिया मकाम इब्राहिम को नमाज बनाया अपने घर का इंतज़ाम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिया तवाफ़ एतकाफ और रकू करने वालों के लिए इसे पाक रखने का अल्लाह तला ने हुक्म दिया फिर हज़रत इब्राहीम की दुआएं हमने देखी थीं इस मरकज़ के लिए कि इस शहर को अमन का शहर बना दीजिए इसके बशंदों को रिज्क अता कीजिए हमसे खिदमत कबूल कर लीजिए हमारी नस्ल में ऐसी कौम उठाएं जो आपकी फरमा बरदार हो हमें अपनी इबादत के तरीक़े बताएं, हमारी हताओं को मुआफ़ फरमाएं, और ऐसा रसूल यहाँ पर लाएं जो तेरी आयात सुनाए किताब की तालीम दे और हिकमत की तालीम दे लोगों की संवारे। अमल की बात हमने यहाँ पर क्या ली थी कि हज़रत इब्राहीम की तरह हर मामले में दुआओं का सिलसिला जारी रखना है और यहाँ पर हमने मस्जिदों पर बात की थी कि मस्जिदों के जो आदाब हैं उनको मद्देनज़र नज़र रखते हुए उनको आबाद करना है फिर रकू नंबर सोलह इस जुज़ का आखिरी रकू था आयत नंबर वन थर्टी टू वन फोर्टी वन मौजू क्या हमने देखा था फिर वारियत से आज़ादी और अल्लाह सुबाना का रंग नीयतों और इरादों का मुहासबा देखा था और फिर जाना था कि रुबानी कैसे इंसान होते हैं फिर वारियत की नफ़ी और मौत के वक्त की फ़िक्रें एक बंदा मोमिन को कैसी होती हैं हमने देखा था कि हज़रत इब्राहीम कैसे थे एक रोल मॉडल थे अल्लाह ताला ने दुनिया में इन्हें अपने काम के लिए चुना मालिक कायनात के ये फर्मा बरदार थे अपनी औलाद को भी फरमा बरदारी की इन्होंने वसीयत की आहरत में इनका शुमार सालकिन में होगा फिर हमने देखा था कि हदायत का इनखसार किस पर है अल्लाह ताला के ईमा अल्लाह ताला पर ईमान लाने पर है अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने पर है तमाम नबियों पर ईमान और नबियों में फ़र्क ना करने मर करने में है इस तरह ईमान लाएं जैसे सहाबा ईमान लाए थे फिर अल्लाह ताला का रंग कैसा है सबसे अच्छा रंग कौन सा है अल्लाह ताला का रंग है यहाँ पर हमने फ़िरका वारियत की भी बात की थी कि हमने तमाम तरह के फ़िरक़े जो भी अपने ऊपर चढ़ा रखे हैं जिससे हमने जोड़ रखा है खुद को उससे खुद को आज़ाद करना है और सबसे अच्छा रंग कौन सा है अल्लाह का रंग है कुरान का रंग है सिवतल का रंग है अल्लाह के लिए बंदगी को खालिस करने से ये चढ़ता है फिर हमने देखा था सबसे बड़ा जालिम कौन है कि जिसके ज़िम्मे अल्लाह ताली की तरफ से गवाही हो यानी कि उसके पास हक़ हों दलाइल हों लेकिन वो उसे छुपाए फिर हमने ताल्लुक बिल्ला को देखा था और फिर हमने वहाँ पर अमल की जो बात नोट की थी वो क्या थी कि हर काम करते हुए ये सोचना है कि मेरा रुख अल्लाह तरफ है या नहीं क्या मैं जो भी अमल कर रही हूँ वो क़ुरान सुन्नत के मुताबिक हैं या नहीं फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा अपने लास्ट आया में जायज़ा देखा था कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को अपने काम के लिए चुन लिया था क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा भी चुनाव हो क्या हम तैयार हैं कि हमारी भी जो है अल्लाह सुबहाना व तआला की तरफ से अगर कोई आजमाइशें आएँ तो हम उस पर पूरा उतरें क्या हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से इतना मजबूत है तो इन तमाम बातों की रोशनी में अल्लाह ताला से हमने दुआ भी की थी और अब भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से कुरआन को समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बना दे आमीन और जितने भी ये रुक, ये रक़ू के साथ हमने मौजूद ये पॉइंट्स नोट्स किए हैं इन्हें अपने नोट्स में ज़रूर नोट रखें ज़रूर लिख कर रखें हाई लाइट कर कर रखें क्योंकि हमने बहुत ही मुख्तर इन पर बात की है क्योंकि इनकी जितनी भी डिटेल पे हम बात करें वो कम है इतनी साफ़ और वाजा ये तजकिया की तजकिया के लिए हमने आयात देखी हैं कि आप इनकी रोशनी में भी लग जाए ना अपना मुहासिबा करना तो यकीन करें कितनी सारी गंदगीों से कितनी सारी बुराइयों से मैं और आप बच जाएँगे अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह सबखाना व तौला हमें गौर ग़ौ फ़िक्र की तौफीक अता फरमाए अल्लाह सुब व ताली हमें बाआमल मुसलमान बनाए अल्लाह ताली हमें बेहतरीन तरीके से इल्म को लेने वाला और उस पर अमल करने वाला और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाने वाला करे आमीन अल्लाह आमीन इन हम अपने अगले लेसन में अपने दूसरे सुपारे का आगाज़ करेंगे इन से उसमें कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से अपना तजकिया करें गौर व फिक्र करें और बेहतरीन तरीके सेलम को लेने वाला बने इनशा सुबहान रबी को रब्वत यम्मूसिफ़ुन वसलम अलमरसलिन वहमदिल्ला रबालमिन अल्लमकुम वरम वर्क वो तमाम हमारे प्यारे सिस्टर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें उससे क्या होता है कि हमारे पीछे जितनी भी टीम होती है उसको बहुत खुशी होती है काम करने में आसानी होती है और इससे हम खुद भी मोटिवेट होते हैं काम को लेके चीज़ों को लेके अल्लाह तला सबको ज़ैरता अता फरमाए आमीन